स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। नमस्कार, आपके साथ में हूं अंकुश वाजपेयी। जैसे जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होती जा रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और यह दौर अब देशद्रोह तक पहुंच गया है, जिसके चलते सूबे की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। और यही वजह है कि आज दिग्विजय सिंह ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। एक रिपोर्ट देखिए। तो साफ तौर पर आज टीटी नगर थाने में दिग्विजय सिंह गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचे थे। सीएम शिवराज ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान दिग्विजय को देशद्रोही कहा था और ऐसे में दिग्विजय ने जब ये मामला उन तक पहुंचा तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि अगर मैं देशद्रोही हूं तो फिर मैं गिरफ्तार होने को तैयार हूं और 26 जुलाई को मैं खुद भोपाल के टीटी नगर थाने पहुंचूंगा और अपनी गिरफ्तारी दूंगा। और एक और बात इस दौरान उन्होंने कही थी कि या तो सीएम शिवराज मुझसे माफी मांगे या फिर मुझे देशद्रोही साबित करके दिखाएं। पहला एक रिपोर्ट देखिए। गिरफ्तारी और सियासत, जी हां, मध्य प्रदेश की राजनीति इन दिनों इन्हीं मुद्दों पर गरमाई हुई है। सूबे में विधानसभा चुनाव करीब हैं तो सियासी दल अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। इन दिनों प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ऐसे ही सियासी आरोपों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को देशद्रोह कह दिया। मुख्यमंत्री के इस बयान से कांग्रेस को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया और इसे भुनाने के लिए कांग्रेस ने गुरुवार को पीसीसी से टीटी नगर तक रैली निकाली, जिसके बाद दिग्विजय सिंह गिरफ्तारी देने टीटी नगर थाने पहुंचे। हालांकि पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी नहीं ली। अब दिग्विजय सिंह शिवराज सिंह चौहान पर मानहानि करने की बात कह रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झूठ बोलते हैं, विरोधियों के खिलाफ झूठे आरोप लगाते हैं। अब चूंकि मेरे पास लिखित प्रमाण है कि मेरे ऊपर कोई देशद्रोह का ना प्रकरण है ना प्रमाण है, मैं उन्हें अदालत में ले जाऊंगा और उन पर मुकदमा दायर करने के लिए आखिर तक लड़ाई लड़ता रहूंगा। कांग्रेस के दिग्गज यात्रा के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे तो वहीं बीजेपी के धुरंधर कांग्रेस पर आरोपों की बौछार करने में लगे रहे। बीजेपी प्रवक्ताओं का कहना है कि दिग्विजय सिंह को कांग्रेस में कोई पूछ नहीं रहा है, इसलिए वो दिखावे की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी लगातार अपनी पार्टी में उपेक्षा का शिकार हैं। कमलनाथ जी उनको भाव नहीं दे रहे, सिंधिया जी पहले से ही भाव नहीं देते थे, राहुल गांधी जी लगातार उनका तिरस्कार कर रहे हैं। तो ये उनके गुट का शक्ति प्रदर्शन था कि भैया हम भी कांग्रेस के मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं। बाकी असली मुद्दों से उनका ध्यान भटका हुआ है, मूड उनका चटका हुआ है। पता नहीं क्या माहौल वो खड़ा करना चाहते हैं। जो सवाल खड़े थे वो जस के तस हैं, सवालों का उत्तर तो उनके पास है नहीं। दिग्विजय सिंह ने गिरफ्तारी के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया, केंद्रीय समिति में शामिल नहीं करने पर अपना दमखम दिखाया, लेकिन कांग्रेस के दिग्गजों ने दिग्गी की इस गिरफ्तारी से दूरी बनाए रखी। अब सवाल ये कि क्या गिरफ्तारी के बहाने दिग्विजय शिवराज को चुनौती दे रहे हैं, क्या चुनाव को देखते हुए संबंधों को सियासी रंग दिया। तो चुनावी साल है और साफ तौर पर दोनों ही राजनीतिक दलों की बात करें तो कांग्रेस के सामने एक चुनौती ये भी है कि 14 सालों से जो सत्ता का सूखा पड़ा है और साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो वो सूखा खत्म हो, और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से सीएम शिवराज जन आशीर्वाद यात्रा जो निकाल रहे हैं, 55 दिनों की ये यात्रा है, लेकिन यात्रा जहां पर पहुंच रही है ऐसे में ऐसी बयानबाजियां भी हो रही हैं। और सीएम ने जब देशद्रोही दिग्विजय को कहा तो कहीं ना कहीं 26 तारीख यानी 26 जुलाई को उन्होंने गिरफ्तारी की बात की, लेकिन जब वो टीटी नगर थाने पहुंचे तो एसपी ने गिरफ्तारी से इनकार कर दिया और ये कहा कि आपके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है तो आपको गिरफ्तार कैसे किया जाए। लेकिन बहरहाल अब दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर यह कहा है कि मैं सीएम पर मानहानि का दावा पेश करूंगा और अदालत उन्हें खींच कर ले जाऊंगा। बहरहाल चर्चा करेंगे, तीन मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजीत भदौरिया जी जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ प्रवीण नापी जी जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है तीनों का डीएनएन पर। प्रवीण जी, चूंकि सीएम ने जो बयान दिया था, चूंकि उस बयान पर आज भी वो कायम है, उन्होंने फिर एक बार पन्ना में दोहराया है कि जो बातें मैंने कही थी मैं उस पर कायम हूं, एक बार फिर से उन्होंने निशाना साधा और ये कहा कि बाटला एनकाउंटर में शहीद सिपाही पर टिप्पणी करने वाले और आतंकवादी ओसामा को ओसामा जी कहने वाले
खुद सोचें कि वो देशभक्त हैं या देशद्रोही हैं। ये जो बात आई है जैसे सच है जो आप कह रहे हैं बाटला एनकाउंटर में, देश के गृह मंत्री चिदम्बरम जी को सफाई देनी पड़ी कि जो बाटला एनकाउंटर है वो सही है, और दूसरे सलमान खुर्शीद उन्हीं के कैबिनेट के मंत्री कहते हैं कि वो दो आतंकवादी खत्म हुए हैं जो इनकाउंटर में, सोनिया जी दो रात तक सो ना सकी, ये सच बात है पूरे देश में चला। तो अब तय करना होगा कि आतंकवादियों के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोना सिंह, दिग्विजय सिंह और जो महेश शर्मा थे, मोहन शर्मा, उनकी हत्या पर उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं है। फिर आप उसके बाद अचल मैं कहीं नहीं जाता हूँ, भोपाल में आरओबी पुल बनता है और उस पुल को कहाँ पाकिस्तान का पेशावर का था कहाँ का था उसकी फोटो उन्होंने लगाई, उसके बाद ट्रोल हुए, पूरे लोगों ने उनकी धज्जियाँ उड़ाई, उसको हटाया, उन्होंने कहा साहब मुझसे गलती हुई है, मेरे किसी ट्वीट वाले ने कर दिया है। अरे आप कैसे हो, और आपको CWC में नहीं रखा उसके पहले, तो अदालत घसीटने की बात कर रहे हैं, जाए ना सर, अदालत सबके लिए खुली है, अदालत सबके लिए खुली है। केजरीवाल वगैरह देखा नहीं माफी मांगते फिर रहे हैं नितिन गडकरी जी से, बाकी कितने लोग माफी मांगते फिर रहे हैं, तो कह के भाग जाना भाई, आपको कोई सम्मान आता, आपको कोई बात होता। फिर इसी में देखिए कई बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगे थे कल गिरफ्तार, 5 मिनट नहीं लगा मानक अग्रवाल जी चले गए, क्यों गए? नहीं, बीजेपी को ऐसा क्यों लग रहा है कि दिग्विजय को तो अब पूरी तरह से किनारा कर दिया गया और अब एक तरह से आज शक्ति। अच्छा आप मुझे ये बताइए कमलनाथ जी वहीं थे, ठीक है, आप आएंगे कि सिंधिया जी नहीं? अरे सिंधिया जी और कमलनाथ जी के नहीं आके तो है, तो उन्हीं के पार्टी के ना जी, वो नहीं थे, ठीक है, वो दिल्ली में थे, ठीक है, आपके 4 कार्यकारी अध्यक्ष तो थे ना, आ नहीं सकते थे क्या? कि आप अपने नेता का साथ नहीं देते, समन्वय के लिए आप यात्रा करवाते हो, ओरछा से राम मंदिर से यात्रा चालू करते हैं, और सॉफ्ट हिंदू हार्ड हिंदू की बात करते हो आप, कहाँ ले जाना चाहते हो देश की राजनीति को, क्या करना चाहते हो आप? विस्फोट हम लोग बहुत करते रहते हैं, आप संघ को आतंकवाद बताते हो, पाकिस्तान, आप मुंबई बम ब्लास्ट में क्या हुआ था, फिर बाद में फिर इनके जनार्दन द्विवेदी वगैरह क्या कहते हैं, वो दिग्विजय सिंह का अपना है, उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं, ऐसा एक बार नहीं 1000 बार होता है। हमने सोचा नर्मदा जी की परिक्रमा की है, बहुत अच्छे हो गए होंगे, सब कुछ मन विचार क्रम सुधर गया होगा, नहीं सब अभी भी कहीं ना कहीं कोई बात, अरे ठीक है हम लोग वरिष्ठ हैं, उसके बाद भी अब आप शिवराज जी पे अदालत में अगवा कितने बार जा चुके, आप कितने लोगों को घसीट चुके, और आप बता दीजिए इन लोगों को घसीटने के बाद कितने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जेल हुई है, सजा हुई है। अभी के मिश्रा जी भी लगे थे, उसके पहले के माफीनामा वो भी जेल से, भोपाल जेल नहीं के मिश्रा जी के लिए, फिर वो जबलपुर हाईकोर्ट गए, 4 दिन 5 दिन अंडरग्राउंड रहे, बहुत बड़े अगर कांग्रेस भक्त होते आते समर्पण करते, और हमको मालूम नहीं था क्या के मिश्रा जी कहाँ हैं। पर देखिए हम लोग भी बहुत सॉफ्ट रहते हैं, राजनीति है राजनीति के, पर हमारे ऊपर एकदम से आप कोई भी महिमा मंडन कैसे भी करके फिर आप हमारे ऊपर उसको कीचड़ लो, अपना कुछ भी करना, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अब समाज को तय करना पड़ेगा, कांग्रेस को तय करना पड़ेगा कि दिग्विजय सिंह जी के जो बयान हैं, और जनरली होते हैं कांग्रेस के लोग खुद कहते हैं, ये बीजेपी के पार्ट भी हैं ये, कि जैसे जैसे वो हमारे खिलाफ बोलते हैं और वैसे वैसे जैसा विस्फोट करते हैं ना, समर्थन हमारा ही बढ़ता जाता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अजीत जी, आज गिरफ्तारी देने के लिए दिग्विजय सिंह जी सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचे, ये शक्ति प्रदर्शन दिखाने का एक तरीका था क्या? देखिए मैं आपको पहले स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि शिवराज जी जो बोल रहे हैं ना, वो उनकी बौखलाहट उनके उससे निकल रही है, मुंह से जन आशीर्वाद, जनता आशीर्वाद तो दे नहीं रही, क्योंकि जनता भी समझ गई है कि 2.5 करोड़ के रथ में 20 फुट ऊपर से आशीर्वाद मांगने जो व्यक्ति आया हो तो उसका क्या व्यक्तित्व, 15 साल तक इनको जनता की याद नहीं आई, गिरफ्तारी पे 15 साल तक तो इनको जनता की याद नहीं आई, तो अब अभी आपने पचमढ़ी में कैंटोनमेंट के चुनाव हुए नगर परिषद के, पूरी की पूरी सीटें बीजेपी ने हारी, खाता तक नहीं खोल पाई, इस हार की बौखलाहट से ये अपनी जो राष्ट्रीय नीति है भारतीय जनता पार्टी की कि विकास की बात नहीं करो, मुद्दे को देश को प्रदेश की जनता का भटकाओ, हिंदुत्व की तरफ ले जाओ, आतंकवाद की तरफ ले जाओ, ये इनका उद्देश्य से एकमात्र उद्देश्य है। मैं कहना चाहूंगा कि दिग्विजय सिंह जी को इन्होंने देशद्रोही कहा, आज इसी प्रदेश के शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, प्रशासनिक पद पर बैठे हुए हैं, उसी प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने, जिम्मेदार अधिकारी ने आज TT नगर थाने में ये लिख कर दिया कि दिग्विजय सिंह जी के विरुद्ध कोई भी ऐसा मामला शिकायत नहीं है,
ना कोई उनके संज्ञान में, ये निर्दोष है। जब लिख के दिया जा रहा है तो आप किस मुंह से कह रहे हो? अगर आपको ऐसा लगता कि आप भाई दिग्विजय सिंह जी फलाने फलाने मामलों में फलाने बिंदुओं पर देशद्रोही है तो आप शिकायत करिए, आप भी जा सकते हैं थाने जाके। नहीं लेकिन अजय जी मेरा प्रश्न वही था कि जहां तक शक्ति प्रदर्शन की बात कर रहे हैं आप, शक्ति प्रदर्शन नहीं, देखिए एक मैं बात बता दूं, दिग्विजय सिंह जी इस प्रदेश की नब्ज जानते हैं, एक प्रदेश का बच्चा बच्चा उनसे जुड़ा हुआ है। जहां तक कांग्रेस कार्यकर्ता की बात है, किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता को दिग्विजय सिंह जी या उनके लोगों या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई मैसेज नहीं किया गया। केवल ये वायरल हुई बात कि 26 तारीख को दिग्विजय सिंह जी टीटी नगर थाने जाएंगे, ये उनके प्रति लोगों की आस्था प्रेम विश्वास है कि लोग अपने आप पूरे प्रदेश से चल के आए। शक्ति प्रदर्शन अगर होता ना तो मैं दिग्विजय सिंह जी किसी भी जगह पे किसी भी मैदान में, शिवराज सिंह जो आज पूरे तंत्र मंत्र पूरे प्रशासन की दम पे, आप भी देखते होंगे मीडिया भी देखती होगी कि जब शिवराज सिंह का कार्यक्रम होता है तो पूरी सरकार लग जाती है। जो जन आशीर्वाद चल रहा है ना उसमें पूरा सरकारी पैसा लगा, जिस जिले में जन आशीर्वाद यात्रा पहुंच जाए उस जिले के सरकारी ऑफिस की हालत देख लीजिए, 10 दिन पहले तक और 2 दिन बाद तक पूरे ऑफिसेज खाली रहते हैं। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा आ रही, पब्लिक भटकती रहे, कोई काम नहीं होंगे 10 से 15 दिन तक, पर मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा में चपरासी से लेकर कलेक्टर तक उस जिले का लग जाता है। ये स्थिति है। मैं तो चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी को, पूरा तंत्र लगा लें और मैदान और समय और जिला निश्चित वो कर लें। एक तरफ दिग्विजय सिंह जी का कार्यक्रम होगा, एक तरफ पूरी भाजपा का, प्रदेश की भाजपा का। अगर दिग्विजय सिंह शक्ति प्रदर्शन करना चाहेंगे तो उस दिन मध्य प्रदेश की पूरी भाजपा से 4 गुना ज्यादा भीड़ इकट्ठी करके रख देंगे। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं था, ये दिग्विजय सिंह जी के प्रति लोगों के मन प्रेम आस्था। सवाल ये भी उठता है जी कि जिस बयान को लेकर सीएम ने उन्हें देशद्रोही कहा है, 2011 में उन्होंने कहा था ओसामा जी को, तो मेरा सवाल ये कि चुनावी साल में ही फिर सीएम को क्यों याद आया बयान? चुनावी, मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना कि इन्होंने विकास कुछ किया नहीं है। सब देखिए, बलात्कार में मध्य प्रदेश नंबर 1, किसान आत्महत्या में, कुपोषण में, सब में टॉप पे जा रहा है। अभी आपके सुशासन में 16 उनमें 18 में 16वें नंबर पे जा रहा है जी। प्रदेश 18 की रेटिंग जारी हुई, 16वें नंबर पे मध्य प्रदेश जा रहा है। तो ये कहां जा रहा है प्रदेश? तो जनता ये समझ चुकी है। देखिए कब तक आप बरगलाएंगे, आप मुझे बताइए, किसी भी जनता को या किसी भी मतदाता को आप कब तक बरगलाएंगे, कब तक ये आडंबर का वो करेंगे? ठीक जैन साहब, मेरा आपसे वही प्रश्न रहेगा कि क्या वाकई में दिग्विजय गिरफ्तारी देने गए थे या शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया? चूंकि CEWC की जो बैठक हुई थी उसमें खबरें ये भी आई थी कि दिग्विजय को बुलावा भी भेजा गया था लेकिन वो वहां पर भी नहीं पहुंचे थे, तो क्या पूरी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें दरकिनार कर दिया गया और अब ये कहा गया है कि अब मध्य प्रदेश में आप देखिए? आप तो देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि दिग्विजय सिंह जी लगातार दिल्ली जो संगठन है उससे हसीये पर जाते जा रहे हैं। पहले महासचिव के पद से हटाया, फिर CEWC से बाहर किया उन्हें, उनकी दिल्ली में पूछ परख कम हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस पूरे विवाद को इससे भी जोड़कर देखिए कि जब मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे राकेश सिंह, उसके तत्काल बाद अमित शाह जब आए थे भोपाल और उन्होंने भोपाल में ये कहा था कि मध्य प्रदेश में हमारा कोई चेहरा नहीं होगा, मध्य प्रदेश में जो राजमाता सिंधिया को हम जीत समर्पित करके देना चाहते हैं, कुशवाहा ठाकरे को देना चाहते हैं, तो उस वक्त ऐसा लगा था कि शायद शिवराज जी को वो हटाना चाहते हैं या शिवराज जी चेहरा नहीं होंगे। लेकिन 14 जुलाई को उज्जैन में जब जन आशीर्वाद रैली शुरू हुई उस रैली में अमित शाह ने सीधी घोषणा की कि अगले चुनाव में शिवराज जी हमारा चेहरा होंगे। अब इसके बाद अंकुश जी, मेरी बात पूरी हो जाए, इसके बाद शिवराज जी जो स्वभाव है शिवराज जी का हम जानते हैं, 15 साल से बहुत नजदीक से हम शिवराज जी को देख रहे हैं, वो इस तरह के बयान नहीं देते हैं। वे उन बड़े शालीन है, दूसरों के बारे में जब भी बोलते हैं तो बड़ा संभल के बोलते हैं, लेकिन उनका जो आक्रामक हुआ है जन आशीर्वाद यात्रा में, उनके जो तेवर हैं काफी आक्रामक हैं और आत्मविश्वास से लबरेज है। आप ये जो बयान है उनका, ये सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है ये बयान उन्होंने, और अमित शाह ने जो अभी राजस्थान में कहा है कि हमें आरती करके और शंख बजाकर चुनाव नहीं जीतने हैं, युद्ध की तरह लड़ा जाएगा, डंके की चोट पर लड़ा जाएगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता मध्य प्रदेश में
कांग्रेस के नेताओं पर बहुत तेजी से आक्रामक हुए हैं। ये भी कांग्रेस के अंदर अभी चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक देशद्रोह जैसा शब्द, जबकि दिग्विजय सिंह जी को बंटाधार भी कहा गया, दिग्विजय सिंह पे इससे गंभीर आरोप लगे, तब दिग्विजय सिंह जी ने गिरफ्तारी नहीं दी, आज केवल देशद्रोही पे वो गिरफ्तारी देने जा रहे हैं, तो इसके पीछे उनकी भी कोई ना कोई सोची समझी रणनीति है। ये दोनों ही, जो चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या कांग्रेस के, दोनों का ही ये जो है प्लान है वो कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति का ही हिस्सा है। और योद्धा की तरह चुनाव लड़ेंगे, यानी साफ तौर पर जबलपुर में जब अमित शाह जी पहुंचे थे तो इसीलिए उन्होंने सीएम के पैर को अंगद का पैर बताया था कि उन्हें हिलाना इतना आसान नहीं है मध्य प्रदेश। निश्चित तौर पे अभी जो अमित शाह ने की जो शैली है, आपने देखा होगा कि इस चुनाव को अमित शाह ने एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है और तीनों राज्य साम दाम दंड भेद किसी तरह से भी हो हमें ये तीनों राज्य जीतने हैं, और इसीलिए भोपाल में एक बार रूम की भी आपको मालूम होगा, एक बार रूम भी तैयार हो रहा है। अभी शिवराज जी का इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने सबसे पहले टारगेट दिग्विजय सिंह को अकेले को नहीं किया है, आप कहेंगे दिग्विजय सिंह को किया है, अटेर चुनाव में उन्होंने सिंधिया को टारगेट किया था और अंग्रेजों को गुलाम वो पिट्ठू तक कहा था उन्होंने, यदि आपको याद हो। इसके बाद उन्होंने कमलनाथ जी पे एक हमला किया है इसी जन यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान, कि मध्य प्रदेश में जब तक दिग्विजय सिंह की सरकार रही या एमपीबी का चेयरमैन बगैर कमलनाथ की इच्छा के नहीं हुआ करता था। तो आप लगातार देखेंगे शिवराज जी जिस तरह आक्रामक हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं केंद्र की पूरी केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी से जो संगठन है उसकी कहीं ना कहीं सह है, उनकी कहीं ना कहीं रणनीति है और इसी के तहत वे आगे बढ़ रहे हैं। और जैन साहब, चूंकि चुनावी साल है और जन आशीर्वाद यात्रा का उदाहरण दूंगा कि सीएम जहां पर जा रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर अपनी योजनाओं का बखान तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो अपने जो कार्यकाल की तुलना है वो 2003 के पहले दिग्विजय सिंह के कार्यकाल से कर रहे हैं कि उस वक्त सड़क का अता पता नहीं था, बिजली कब आती थी किसी को पता नहीं है, क्या कुछ हालत थी प्रदेश की, बीमारू राज्य था, हमने उसको बीमारू राज्य की श्रेणी से उभारा है। तो यानी कि जन आशीर्वाद यात्रा, कांग्रेस जरूर आरोप लगा रही है कि किसका आशीर्वाद लेने सीएम निकले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जन आशीर्वाद यात्रा जो 55 दिनी चल रही है कितना फायदा होगा बीजेपी को, आपको लगता है कि हमलावर रुख हो रहा है? शिवराज जी के इन बयानों से कांग्रेस में दो फड़ हो रहा है, आप अंदाज लगाइए। शिवराज जी जैसे जैसे दिग्विजय सिंह पर हमले बोल रहे हैं वैसे वैसे कमलनाथ जी का बयान आ गया कि भाई यदि दिग्विजय सिंह ने गलत काम किया है तो सजा दे दी गई है उनको, यानी कि उन्होंने एक तरह से स्वीकार कर लिया है कि दिग्विजय सिंह ने गलत काम किया, दिग्विजय सिंह ने विकास नहीं किया, दिग्विजय सिंह ने रोड नहीं बनाई, लेकिन दिग्विजय सिंह इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उनका यह कहना है कि मेरे विकास और 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के विकास को पर लेकर किसी भी मंच पर बहस कर ली जाए। अब आप देखिए कि कांग्रेस दो फाड़ हो चुकी है, एक ओर दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि मेरा विकास ज्यादा था, मैं बहस के लिए तैयार हूं, दूसरी ओर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी वो स्वयं कह रहे हैं कि नहीं, दिग्विजय सिंह जी ने जो गलतियां की उसकी सजा पब्लिक ने दे दी है। तो कांग्रेस को स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि आज 15 साल के विकास और 10 साल के विकास की जब तुलना हो रही है तो नेता कहां खड़े हुए हैं। कमलनाथ जी कोई बयान दे रहे हैं, सिंधिया जी कोई बयान दे रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी कुछ और बयान दे रहे हैं। एक बात और है अंकुश जी, कि आज जो एक दिग्विजय सिंह जी का शक्ति प्रदर्शन था, जिसको आप शक्ति प्रदर्शन कह लें या दिग्विजय सिंह जी जो भी गिरफ्तारी देने गए, जिस तरह कांग्रेस के बड़े नेताओं ने दूरी बनाई है इस पे भी बड़ा आश्चर्यजनक है। सिंधिया जी को आज भोपाल आना था, अभी इस समय जब हम डिबेट कर रहे हैं सिंधिया जी भोपाल आ चुके हैं और पीसीसी में बैठक कर रहे हैं, वो सुबह भी आ सकते थे क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार बनानी है, एकजुट होना है, तो सुबह भी आ सकते थे, लेकिन उन्होंने दिग्विजय सिंह से दूरी बनाई। कमलनाथ जी केवल 4 कदम बाहर तक आए और उसके बाद भी पीसीसी में वापस लौट गए, उन्होंने दूरी बनाई। कांग्रेस में बड़े नेता या नहीं दिखे, तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो चर्चा होगी, क्योंकि राजनीतिक जब विश्लेषण होता है तो ये तमाम सारे मुद्दे उसमें शामिल किए जाते हैं। कहीं ना कहीं वो बात सामने आ रही है कि जैसे जैसे संगठन दिग्विजय सिंह जी की उपेक्षा कर रहा है, दिग्विजय सिंह अपने लोगों को जोड़े रखने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा उपक्रम कर रहे हैं, इस तरह के कोई ना कोई मूवमेंट करेंगे ताकि लोग जुड़े रहें और उनका महत्व बना रहे। चलिए, खास पेशकश हमारी लगातार जारी और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर जैन साहब ने उठाया, उस पर जरूर ब्रेक पर से जब लौटेंगे तो इसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारी खास पेशकश लगातार जारी, देखते रहिए। डीएनएल और डीजियाना परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जिसके लिए हम सभी नरसिंहपुर खिलाड़ियों की तरफ से, कबड्डी परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और ऐसे आयोजनों से हमारे यहां प्रतिभाओं का उदय होगा और लगातार देखिए अब कबड्डी को आगे बढ़ाया जा रहा है और एक नई पहल है यहाँ डीएनएल और डीजियाना परिवार की, जिससे निश्चित रूप से एमपी में नई प्रतिभाएं सामने आएंगी और एक खेल के स्तर को ऊपर ले जाएंगी।
एवं दीजियाना परिवार को कबड्डी लीग प्रतियोगिता कराने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। एवं यह प्रतियोगिता 7 अगस्त से मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित की जाएगी। इसमें जो भी खिलाड़ी भाग लेंगे वह खेल की बारीकियों को सीखेंगे एवं इस प्रतियोगिता से सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन एवं आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यह एक बहुत ही अच्छी पहल है DNN एवं डीजियाना परिवार की। मैं समझता हूँ कि जो हमारा भारतीय खेल है जो माटी से जुड़ा हुआ है, पर हमारे पुरातन और सनातन हमारा वो खेल है, हमारे भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने और जितने भी और हमारे पूर्व छम ने उसको खेला है, उसको बढ़ाने के लिए, उसका उसकी महत्ता बताने के लिए उन्होंने एक सफल आयोजन कर रहा है उनकी, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे नरसिंहपुर जिले में भी विगत 34 वर्षों से हमारे गोटे गांव में और संपूर्ण नरसिंहपुर जिले में कबड्डी के टूर्नामेंट होते हैं और विगत वर्ष लगभग 69 प्रो कबड्डी के प्लेयर नरसिंह गोटे गांव आए थे। और इस प्रकार का जो खेल है इसकी अब युवाओं की भी महती आवश्यकता है, कम समय में पूरे तरह शारीरिक रूप से मजबूत हो जाता है व्यक्ति और ताकतवर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अजी जी, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से जैन साहब ने कहा था कि सिंधिया जी अब जाकर दिल्ली से भोपाल पहुंचे हैं, बैठक ले रहे हैं PCC में, क्या वो सुबह नहीं आ सकते थे? क्योंकि कमलनाथ जी ठीक है वहाँ पर मौजूद थे, दिग्गज नेता हमें दिखाई दिए और सैकड़ों कार्यकर्ता थे, लेकिन क्या अगर मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी करना है तो जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनको एक मंच पर एक साथ नहीं आना चाहिए? देखिए, यहाँ आदरणीय जैन साहब बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, मैं उनको स्पष्ट कर देना चाहूँगा, उनको जानकारी होगी कि सिंधिया जी अभी वर्तमान में पार्लियामेंट चल रही है, लोकसभा चल रही है और लोकसभा में मुख्य सचेतक के पद पे पार्टी की तरफ से हैं, तो उनकी जिम्मेदारी तुलनात्मक यहाँ के वहाँ ज़्यादा थी। 4:30 बजे जब पार्लियामेंट समाप्ति की ओर थी आज, तब वो उसके बाद उन्होंने दिल्ली छोड़ी, उसके बाद शाम को अभी जो समन्वय समिति की बैठक होने जा रही है, चुनाव अभियान समिति की बैठक होने जा रही है, उसमें दिग्विजय सिंह जी सिंधिया जी के साथ हैं PCC में। अगर जब गिरफ्तारी देने जा रहे थे उस वक्त का पूछा मैंने, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, वो सचेतक है, तुलनात्मक दोनों। देखिए, कोई भी काम में तुलनात्मक अध्ययन होता है कि आवश्यकता कहाँ ज्यादा आपकी है। आज पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट में सिंधिया जी की मुख्य सचेतक के नाते जिम्मेदारी वहां ज्यादा बन रही थी। कांग्रेस को अगर सत्ता में वापसी करना है तो आपको भी पता होगा कि जो बड़े तमाम दिग्गज नेता हैं उनको एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। अरुण यादव जी जब प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटे थे तो उनका एक बयान आया था कि फसल मैंने बो दी है, काटने का काम कमलनाथ जी करेंगे, यानी जमीन उन्होंने तैयार कर दी है, अब अगर जीत जाते हैं तो ये काम कमलनाथ जी करेंगे। तो ये बयान को किस तरह से देखा जाए उस वक्त का, कि मैंने मेहनत की है इतने सालों से, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और अब चुनावी साल है तो मुझे हटा दिया गया और कमलनाथ जी को बना दिया गया, ऐसे कई बयान निकल कर सामने आए जो कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि पार्टी में एकजुटता उस हद तक नहीं है। देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको कि अरुण यादव जी ने किस तारतम्य में वो बयान कहा था, वो बयान अगर पूरा सुना जाएगा तब वो स्पष्ट हो पाएगा, और वो मैंने पूरा नहीं सुना था। पर जहाँ तक एकता की बात है तो इसमें मैं वर्तमान में पूरी पार्टी एक है, भाजपा की मुख्य बेचैनी यही है कि कांग्रेस एक हो गई है। हाँ, इनके अंदर से आवाजें क्यों नहीं आ रही, इनकी प्रदेश कार्यकारिणी बन गई, सारी समितियां बन गई, सब कुछ हो गए, सब अपने अपने जिम्मेदारी अपने अपने दायित्व से सब लोग काम कर रहे हैं। आज अगर दिग्विजय सिंह जी किसी भी जिले में समन्वय समिति को लेके जाते हैं, उस समन्वय समिति में सारे क्षेत्रों के नेता हैं, प्रतिनिधि के रूप में सब एक साथ जाते हैं, सब एक साथ बैठ के भोजन करते हैं। आदरणीय सिंधिया जी जहाँ जाते हैं सिंधिया जी के साथ सब लोग काम करते हैं, अभी दिग्विजय सिंह जी PCC में बैठे हुए हैं। तो एक है, ये सबसे बड़ा पेट में दर्द भाजपा के है। मैं आपको बता जी, जैन साहब एक है कांग्रेस प्रदेश में,
देखिए कांग्रेस तो कभी एक नहीं हुई और कांग्रेस के नेता ही बयान देते रहे हैं कि हमारी गुटबाजी ही हमारी ताकत है। यदि वो ये मानते हैं कि गुटबाजी हमारी ताकत है तो फिर एक होने की बात क्यों करते हैं। तमाम सारे नेताओं के हमने बयान सुने हैं। जहां तक अरुण यादव की बात की गई है तो अरुण यादव का एग्जैक्ट बयान यही था कि मैंने खेत जोत दिया है और हमने डाल दी है, अब फसल काटने के लिए दूसरे लोग आए हैं। अरुण यादव जी पहले दिन से अपने आप को हसीये पर महसूस कर रहे हैं। अरुण यादव के लोगों को एक एक करके पीसीसी से हटा दिया गया, चाहे वो आप द्विवेदी हो चाहे के मिश्रा जी हो, तमाम सारे लोगों को हटाया गया। जिस तरह से हटाया गया था वो तरीका भी अच्छा नहीं था कि कांग्रेस एक संगठन है। यदि यदि एकजुट थे तो मैं पूछना चाहता हूं कि के मिश्रा को, द्विवेदी जी को, इनको सब क्यों क्यों हटाया गया। ये तमाम सारे सवाल हैं। कांग्रेस एक है ये तो कभी संभव ही नहीं है। कांग्रेस गुटों में बटी हुई है आज। हाँ ये बात सही है कि दिग्विजय सिंह जी ने प्रयास किया है, लेकिन जब जैसे दिग्विजय सिंह सत्यव्रत चतुर्वेदी को लेकर निकलते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हम सत्यव्रत चतुर्वेदी एक हैं, लेकिन जैसे ही दिग्विजय सिंह से वो छूटते हैं और तत्काल बयान देते हैं मध्य प्रदेश में एक ही विकल्प है सिंधिया, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब पार्टी संगठन ने अभी तय नहीं किया कि चेहरा कौन होगा और सत्यव्रत चतुर्वेदी यहाँ लगातार सिंधिया जी के लिए फिर लॉबिंग करने लगते हैं, तो अभी सिंधिया जी कांग्रेस के जो नेता हैं निश्चित तौर पर अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहे हैं। जब तक ये एक साथ नहीं बैठेंगे, एक रणनीति नहीं बनाएंगे, अभी रणनीति कौन बना रहा है यही तय नहीं है कि क्या रणनीति होगी, कौन बनाएगा रणनीति। अभी यदि आपने देखा होगा कमलनाथ जी का बड़ा चौंकाने वाला बयान था कि हम पीसीसी में तय करते हैं रणनीति और आधे घंटे में बीजेपी को पता चल जाती है। यदि उनने अपने घर में विभीषण बैठा के रखे हुए हैं क्या? ये बात अभी तय करना पड़ेगा कमलनाथ जी को कि क्या वाकई घर में विभीषण बैठे हुए हैं उनके यहाँ। और जन साहब जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि दिग्विजय सिंह जी जो हैं वो दिखावे की राजनीति कर रहे हैं, मतलब अब उनको इतना समर्थन नहीं मिलने वाला है, बस केवल एक दिखा रहे हैं कि हाँ मेरे पास इतने समर्थक हैं और मैं बस गिरफ्तारी देने जा रहा हूं, जबकि हकीकत ये भी है कि 9:30 बजे शायद उनकी ट्रेन है, उन्हें निकलना भी है। तो अब ऐसे में क्या दिखावे की वाकई में राजनीति कर रहे हैं? चुनावी साल है, शक्ति प्रदर्शन के जरिए। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह एकमात्र कांग्रेस के लीडर हैं जो तहसील स्तर तक के कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं, सबसे ज्यादा जुड़े हुए लोग उनके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी जानते हैं कि दिग्विजय सिंह की पॉलिटिक्स, जब दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर थे तब भी हमने देखा था कि ये माना जाता है कि यदि किसी के कंधे पर उनने हाथ रख दिया उसका काम लगना तय है। दिग्विजय सिंह कब किसको कहां निपटा देंगे ये पता नहीं है, तो लोग इनसे भय भी खाते हैं। और ये भी तय है कि दिग्विजय सिंह सबको पहचानते हैं। दिग्विजय सिंह जैसा नेता मध्य प्रदेश में दूसरा नहीं है, लेकिन उतना जितना उनका प्लस पॉइंट है उतना उनका नेगेटिव पॉइंट भी है। दोनों चीजें एक साथ चल रही है, यही कारण है कि उनको उतनी सफलता जितनी मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने इसको पूरा मुद्दा बना लिया है कि रहता था उस समय रोड नहीं हुआ करती थी, हालांकि 15 साल बीत चुके हैं, 15 साल में इनको काम करना चाहिए था, उतना इन्होंने भी नहीं किया है। लेकिन दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को मुद्दा बनाकर फिर से चौथी बार यदि वो सत्ता में उतर रहे हैं ये भी एक आश्चर्यजनक और चौंकाने वाली बात है। प्रवीण जी, लेकिन जिस तरह से सीएम जाकर कह रहे हैं कि आप कांग्रेस का कार्यकाल देखिए और हमारा देखिए, हकीकत ये भी है कि कांग्रेस आरोप लगाती है जब हमारी सत्ता हटी थी उस समय प्रदेश पर लगभग 36,000 करोड़ का कर्ज था, लेकिन आज 1,82,000 करोड़ तक आप जा पहुंचे हैं 14.5 साल में, और उसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा कैसे कहेंगे आप काम नहीं हुआ? आप देखिए, ये तो कांग्रेस कह रही है काम नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ ना, मोहन खेड़ा डैम 4 साल में बना, कितना बड़ा डैम था, अपने आप एक मिसाल है। बाणसागर परियोजना जवाहरलाल नेहरू जी ने उसकी आधारशिला रखी थी, हमने कर दिया। आप हरदा का देखिए, हरसूद का देखिए, हमने जिन लोगों को हमको बसाना था हमने वो बसा के तैयार किया। आप NH देखिए, हाईवे देखिए, लाइटों के बारे में देखिए, आप इस प्रदेश के अंदर देखिए कैसा माहौल है, कि प्रदेश के अंदर देखिए चैनल कितने आ गए। मैं ऐसी बातें कहता जा रहा हूँ जो समझते हैं आप। देखिए पहले जमीन के रेट थे, अब जमीन के रेट देखिए, अब जमीन के रेट कब बढ़ेंगे, जब आपको कहीं ना कहीं पूरा व्यापकता मिलेगी, हर चीज मिलेगी। एक मिनट सर, मैं सर सुन तो लीजिए, 2000 रुपए में शिक्षा कर्मी रखे थे, आज वो 40,000 में। अजीत जी सुन लीजिए जरा, इन्हीं के लक्ष्मण सिंह भाई हैं, इन्हीं ने कहा था इंटरनेट के जमाने में ग्रामोफोन भेजा सेंट्रल ने। ये दिग्विजय सिंह की बहुत पेचीदा और खतरनाक रणनीति, इसको कोई नहीं समझेगा। अब उसको रणनीति को ग्रामोफोन लक्ष्मण सिंह ने कहा, ये 1947 का ग्रामोफोन भेजा इंटरनेट के, उनने कहा जैन साहब हैं यहाँ बैठे हैं बहुत वरिष्ठ हैं, मैं तो बहुत छोटा था, युवा मोर्चे में काम करता था, तब से ये शहर में पत्रकार इनको जानता था जी। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था सोनिया जी अगर भाषण का पन्ना उड़ जाए तो चुपचाप हो जाएगी, इनके भाई लक्ष्मण सिंह जी नहीं कहा था।
और ये कुछ कहते रहे। अब इसका अल्टरनेट ढूंढा कमलनाथ जी ने, अब वो बीएसपी को लेके आ गए, अरुण यादव सपा को लेके आ गए, और सपा वाला जब अरुण यादव से बात करता तो पीछे लिखा रहता है कृषक समाज। अरे कृषक समाज कहाँ से आ गया, जिसके इंजीनियरिंग कॉलेज इतने बड़े बड़े शुगर मिले वो कृषक कहाँ से हो गया, और देश का उद्योग मंत्री रहा है उसका कहाँ से हो गया, मेरी समझ में नहीं आती कौन सी फसल अरुण यादव ने बोई थी कौन सा क्या। तो ये देखिए बीएसपी का कहाँ वर्चस्व है, बघेलखंड में, वहाँ पे अजय सिंह जी हैं उनके लोगों की टिकट कटेगी। बीएसपी का वर्चस्व कहाँ पे है, ग्वालियर में सिंधिया जी की करेगी। अब मुझे ये बताइए सर, सुन लीजिए, बीएसपी के और इसका तो आपने देख लिया, जीतू पटवारी एक विधायक है वो यात्रा निकालता पोल खोल की, ये यात्रा निकालना किसको थी, ठीक है नेता, मेरे पास समय की कमी है, मैं 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा। जी जी सर, आप नेता प्रतिपक्ष का काम क्या होता है, चलिए जवाब सुन लेते हैं, 30 सेकंड दे रहा हूं मैं उन्हें। देखिए मैं अंकुश जी आपको बताऊं जी, विकास हुआ, शिवराज जी ने विकास किया, 3 डंपर वालों के 6000 डंपर हो गए, ठीक है, शिवराज जी की 3 एकड़ खेती है उसकी आय 90 लाख से 1 करोड़ रुपए हो गई सालाना, ये किसान के बेटे हैं, है किसान, किसान रोड समिति से, किसान रोड समिति जो शासकीय है उससे शिवराज जी के लिए फॉर्चुनर गाड़ी खरीदी जाती 35 लाख रुपए की, और सबसे बड़ी बात अंकुश जी उसका वीआईपी नंबर लेने के लिए दलाली दी जाती 10,000 रुपए दलाली, मतलब 10,000 ऑफिशियल दलाली दलाली। चलिए विकास तो हुआ है निश्चित रूप से, शिवराज जी के बच्चे जो भोपाल में पढ़ते थे 15 साल पहले आज विदेश में और पूना में पढ़ रहे हैं, विकास नहीं हुआ। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, समय समय खत्म हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल जो बयान सीएम ने दिया था उस पर सियासत गरमाई है, जाहिर सी बात है चुनावी साल है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने अब कहा है कि मैं सीएम को अदालत तक घसीटूंगा और उनसे निश्चित तौर पर उन पर मानहानि का केस करूंगा। देखने वाली बात होगी कि आखिर ये जो मुद्दा गरमाया हुआ है ये कहां पर जाकर खत्म होता है, और जब चुनाव होगा प्रदेश में तो फिर कितना असर इसका दिखाई देगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में तय डीएनएन पर खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।